उत्तराखंड में मंगलवार से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद जमकर तबाही मची है। टिहरी में भारी बारिश हुई, उसके बाद बादल फट गया जिससे दो लोगों की मौत हो गई। वहीं केदारनाथ मार्ग पर भी बादल फटा है। नेशनल हाईवे का एक हिस्सा सैलाब की भेंट चढ़ गया है। इसके अलावा हरिद्वार, नैनीताल, बागेश्वर में जल प्रलय की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड के टिहरी जिले की हैं, जहां नौताड़ गांव में बादल फटा तो सैलाब का जोर देखकर रेस्क्यू टीम के कदम भी कुछ देर के लिए थम गए। तेज रफ्तार से बहते सैलाब में मलबा भी और बड़ी बड़ी चट्टाने भी, पहाड़ी से बहकर आते इस पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि एक घर को अपने साथ बहा ले गया। मलबे में परिवार के दो लोग दफन हो गए, जबकि तीसरे शख्स को रेस्क्यू टीम ने जिंदा बाहर निकाला है। एक साधु लापता है जिसे एसडीआरएफ की टीम खोज रही है। अब जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये रामनगर देहरादून जाने वाला नेशनल हाईवे है, जिसका एक हिस्सा जो इस नाले के ऊपर से गुजर रहा था पानी के इस तूफानी बहाव की भेंट चढ़ गया। ये हादसा केदारनाथ मार्ग पर बादल फटने से हुआ। फिलहाल भीमबली में करीब 200 तीर्थ यात्रियों को प्रशासन ने सुरक्षित रोका। तीसरी दिल दहलाने वाली तस्वीर नैनीताल से आई है, जहां काला डूंगी के मैथिल शाह नाले में एक कार बह गई। देखिए किस तरह पानी और मलबे का ये सैलाब कार को धकेल कर अपने साथ बहा ले जा रहा है। पानी और तेज आ गया। कार सवार युवक नाला पार कर रहा था, तभी अचानक ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बारिश की वजह से नाले का बहाव तेज हो गया। हालांकि कार सवार युवक को वक्त रहते रेस्क्यू कर लिया गया। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश को 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। ये तस्वीरें हरिद्वार की हैं, जहां सूखी नदी इस कदर उफान पर है कि कावड़ियों के ट्रक को भी बहा ले गई। पहले भी चार गाड़ियां बह चुकी है, आठ नौ गाड़ियां बह चुकी है, सॉरी पहले भी आठ नौ गाड़ियां बह चुकी है, कावड़ियों का है। पुल पार करते वक्त पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि बस कुछ ही सेकंड में ट्रक नदी के आगोश में समा गया। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां खतरे के निशान के करीब बह रही हैं। अब जरा इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। पानी अपने किनारों को इतनी तेजी से काट रहा है कि एक मकान चंद सेकंड में नदी की लहरों में समा गया। प्रणाम प्रणाम, ये क्या नाम, कितनी बारिश बारिश हो रही है आज सुमन जी? तो देहरादून में तो कोई खतरे का वो नहीं है ना ज्यादा? नैनीताल में ज्यादा बारिश आ गई कि नदियां उफान पर है? अच्छा, और जागेश्वर वगैरह में बादल फटा है मैंने सुना था। चलो अलर्ट मोड पर हो यार, फिर देखते हैं ना। देखिए जो कहीं पर अगर एसडीआरएफ एनडीआरएफ कहीं कुछ भेजना हो तो देख लीजिए ना। बागेश्वर में भी सरयू नदी उफान पर है। पानी का बहाव इतना तेज था कि दो लोग नदी में बह गए। एक युवक को रेस्क्यू कर लिया गया जबकि दूसरे की तलाश जारी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के सभी जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तीनों जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया गया है, वहीं चार जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। मौसम बेहद खराब है और एक के बाद एक बड़े हादसे दिल दहला दे रहे हैं। ऐसे में सरकार ने भारी बारिश के मद्देनजर भूस्खलन प्रभावित इलाकों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी है। साथ ही सैलानियों को सुरक्षित स्थानों पर रुकने की अपील की गई है। किशन गोविंद कंसवाल, राहुल मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।